गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई अभिषेक सोनी फ्रॉम आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू सिरोही राजस्थान. स्टूडेंट्स वी हैव डन अ लिटिल पोर्शन ऑफ ग्रामर दैट वाज द प्रीपोजिशन एंड द यूजेस ऑफ वर्ब्स. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर्स द थ्योरेटिकल पार्ट लिटरेचर पार्ट. ओके सो वी आर स्टार्टिंग विद द बुक दैट इज इट सो हैपन एंड द चैप्टर नंबर वन दैट इज हाउ द कैमल गॉट हिज हम. So, and it is written by Rudyard Kipling. Okay, in this chapter, what the message is conveyed is, in short, I would like to tell you that, see, since the time of lockdown is going on, and most of the people, what they do, they simply eat and sleep, and the result, they get paunch out, taunt bar jati, pet bar jata hai. Okay, why? Because they don't work out. So work out. वार्म अप द स्ट्रेचिंग फिजिकल एक्सरसाइजेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ. ओके रादर देन डूइंग शोइंग द लेजी कैरेक्टर ऑफ आर बॉडी. ओके सो दिस चैप्टर कन्वेज द मैसेज. ओके सो वट इट स्टेट्स इन द बिगिनिंग वेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन देर वॉज अ कैमल एंड लिव इन द middle of howling desert because he did not want to work. In the beginning of the world, when the world just it began, that time what human used to do, the man used to feed animals so that in return animals can do their work. Okay, so just like here in this story it states that there was a camel and lived in the middle of howling desert. Howling means सुनसान जंगल, सुनसान डेजर्ट, सुनसान रेगिस्तान में, एकदम वीरान रेगिस्तान में वो कैमल रहता था. डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. वो वहाँ वाई ही यूज टू लिव इन हॉलिंग डेजर्ट, इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू वर्क. उसको कोई टोके नहीं काम करने के लिए, इसलिए वो एक वीरान रेगिस्तान में रहता था. ही एट स्टिक्स थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम just hump and no more. Presently the horse came to him and on Monday morning with a saddle on his back and said, camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. Hump, said the camel, and the horse went away and told the man. So what it states, the camel was living in the middle of the howling desert. One day the horse goes to the camel and what the horse says, तुम यहाँ पर आराम करते हो, उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ जॉग करो. Trot means jog, jog करना. ठीक है, तो horse क्या कहता है camel से कि तुम मेरे साथ jog करो, लेकिन camel क्या कहता है, hump. Said the camel, hump. और जो horse है वो वापस अब अपने मालिक के पास चला जाता है और उसको सब बताता है. नेक्स्ट टाइम डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो डॉग क्या कहता है कैमल से कि तुम बाहर आओ और जैसे मैं स्टिक लेकर के काम कर रहा हूँ, स्टिक ढूंढ रहा हूँ, लकड़ियां ढूंढ रहा हूँ, वैसे तुम भी लकड़ियां ढूंढो जैसे हम सब कर रहे हैं, लाइक द रेस्ट ऑफ अस. हम, सेड द कैमल. और कैमल का एक ही जवाब होता है, हम. व्हाई? बिकॉज़ ही वाज लेजी, ही डोंट वांट टू वर्क, दैट्स व्हाई ही वाज लिविंग इन द मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट. ओके देन जो डॉग है वो उसकी हम सुन के, उसका जवाब सुन के वापस वो भी अपने मालिक के पास चले जाता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, come and plug like the rest of us. Now what yoke means? Yoke एक लकड़ी, एक ऐसी लकड़ी जैसा हल होता है ना जो बैल के पीछे बांधते हैं, वैसे एक स्मॉल लकड़ी जो प्लगिंग करने के लिए काम आती है उसको पीछे बांध देते हैं एनिमल्स के. तो जो ऑक्स है, रोमनी है, वो क्या कहती है, सॉरी ऑक्स जो है, what it says कि जैसे मैं प्लगिंग का काम कर रही हूँ वैसे तुम भी बाहर आओ और हमारी तरह काम करो, प्लग द फील्ड. बट कैमल का एक ही जवाब, हम, सेड द कैमल,
एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वो भी अपने मालिक के पास जाकर उसको सारी कहानी बताते हैं. ओके, सो व्हेन ऑल द एनिमल्स, द डॉग, द हॉर्स, द ऑक्स, व्हेन दे हैव ट्राइड ऑन देयर लेवल, उन्होंने अपने स्तर पर काम किया और उन्होंने कैमल को मोटिवेट किया कि तुम भी बाहर आकर हमारी तरह काम करो, ठीक है. लेकिन कैमल का एक ही जवाब होता है, दैट इज हम्प. ना हम्प मतलब क्या होता है, कैमल के पीठ के ऊपर जो हड्डी होती है ना, जो बाहर बैकबोन जो बाहर निकली है, उसको हम्प कहते हैं. तो इस चैप्टर में देखो, एक रियल लाइफ में अगर जस्ट इमेजिन, जो इंसान एक आदमी अगर काम नहीं करता है तो क्या होता है, उसका वजन बढ़ता है, ही स्टोर द फैट अराउंड, यानी उसका पेट बढ़ जाता है, ठीक है. वैसे ही कोई एक एग्जाम्पल लिया वो है कैमल का, वाई, बिकॉज कैमल के पीठ पे वो हम्प होती है, तो इसको एक लिंक दिया हुआ है कि कैमल काम नहीं करता है, उसका काम नहीं करना उसका क्या मतलब है, कि वो सिर्फ खाना खाता है, खाना खाता है और सोना उसका काम है, तो उसके पीठ के ऊपर वो हम्प निकल जाता है, इसलिए वो दैट्स वाई द चैप्टर्स नेम इज हाउ द कैमल गॉट इज हम्प, वो कैसे बाहर आई. हियर द वर्ड्स लाइक स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, सो बेसिक थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस, द थॉर्न्स एंड प्रिकल्स मीन्स जो कांटे, जो कटीली झाड़ियाँ होती है, जो कैमल होते हैं वो डेजर्ट में सिर्फ ये कांटे और कटीली झाड़ियाँ ही खाते हैं. ओके, वाई, बिकॉज जो वो कांटे खाते हैं उससे वो जो कांटे उनकी जीभ में लगते हैं ना, इन द ऑन द टंग, उससे ब्लीडिंग होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि कांटे जो है उसके अंदर रस है, इसलिए कोई भी कैमल वो सिर्फ थॉर्न्स एंड स्टिक्स प्रिकल्स ही खाते हैं. तो कैमल का भी तो वही काम था, वो खाता और सो जाता, और बाकी एनिमल्स काम करते वो उसको समझाते कि तुम भी हमारी तरह काम करो, लेकिन कैमल उनको हम्प एंड ओनली हम्प, नो वर्क. दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू लिव इन द मिडिल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट. और ये सारे तीनों एनिमल्स उसका जवाब जाकर के अपने मालिक को बताते हैं. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट.